नमस्कार दोस्तों, जागरण हाईटेक के एक नई वीडियो में नई गाड़ी के साथ आपका स्वागत है। मिलवाने जा रहे हैं आपको Hyundai की अल्काज़ार। ये है उसका फर्स्ट लुक जो इस वक्त आप देख रहे हैं। कुछ और कलर ऑप्शन आप देख सकते हैं मेरे साइड में, आपको इस वक्त मैट में दिख रहा होगा। इस गाड़ी को क्रेटा और टूसों के बीच में पिच किया जाता है। कीमत क्या है वो इस वक्त आप नीचे बैंड्स में देख सकते हैं। कीमत कैसी लग रही है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब बड़े बड़े बदलाव कहाँ पे, बदलाव की शुरुआत ऑब्वियसली चेहरे से, चेहरे को बदल दिया तो समझ लीजिए गाड़ी बदल गई। और चेहरे को यहाँ पर पूरी तरीके से बदल दिया गया है। आपको यहाँ पर एक अपडेटेड ग्रिल है जो कि नज़र आ रही होगी, कनेक्टेड डीआरएस, ये भी बिल्कुल नया पैटर्न है जो कि दिख रहा है आपको। और बम्पर को भी डुअल टोन में नए शेड के साथ पूरा बदल दिया गया, यानी कि चेहरा जो है प्रीमियम भी लग रहा है, थोड़ा इम्पोजिंग भी लग रहा है, मैचो भी लग रहा है, क्योंकि इसके कॉम्पिटिशन में जो गाड़ियाँ ना वो सबकी सब बहुत ज़्यादा इम्पोजिंग है। और उस लिहाज से फ्रंट में जो चेंजेस किए गए हैं दे आर लुकिंग क्लासी एंड प्रीमियम। ध्यान रखिएगा इस गाड़ी को टूसों और क्रेटा के बीच में पिच किया गया है। और क्रेटा के अगर ऊपर जाना है, 6 और 7 सीटर दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। करीब 3 वेरियंट है जिसमें 2 सब वेरियंट मौजूद हैं। फ्रंट आपने देख लिया, फटाफट से एक नज़र आप इसके साइड प्रोफाइल पर भी मार लीजिए। कोई चेंज दिखा नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही बड़ा चेंज है जो कि इसके एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन। 18 इंच के एलॉय व्हील्स हैं जो कि यहाँ पर आपको दिए हैं, यानी कि साइड प्रोफाइल में आपको इसके अलावा कोई बड़ा चेंज नहीं दिखेगा। रियर पर भी एक नज़र डालते हैं, कनेक्टेड टेल लाइट्स जो कि नाउ इज एब्सोल्युटली इन, दैट इज द ओनली बिग चेंज दैट यू विल सी इन द नियर विद द नेम अल्काज़ार। 7 कलर ऑप्शंस हैं अमूमन जो कि इसमें आपको मिलेंगे। 2 इंजन ऑप्शंस हैं 1.5 लीटर के जो कि इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और ये इस अल्काज़ार की चाबी है, सेम जो आप क्रेटा में देखते हैं वही चाबी है, यानी कि आपको लॉक, अनलॉक, होल्ड और रियर डोर ओपन करने का आपको मिल जाएगा। दिस इज द कीज एंड व्हाट डू वी हैव चेंजेस हियर, ओके लुक एट द डैशबोर्ड। किसकी याद आ रही है? यस, क्रेटा की आपको याद आ लगी, वही पूरा क्रेटा वाला डैशबोर्ड है जो कि आपको दिख रहा है 10.25 इंच का, एंड इट लुक्स एक्चुअली क्लासी। सीट का जो पैटर्न है वो भी आपको बिल्कुल नया है। 6-way एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सीट है फ्रंट जो कि आपको दी गई है। इसके अलावा एक और जो बदलाव आपको दिखेगा वो ये है, यानी कि आप अपनी सीट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने हाई एंड गाड़ियों में देखा होगा वैसा कुछ फीचर है, यानी कि जैसे ही आप अपने मुताबिक सीट रखना चाहते हैं यू कैन जस्ट प्रेस द बटन और आपके हिसाब से सीट एडजस्ट हो जाएगी। जो स्टीयरिंग है उसको आप हाइट और रीच दोनों के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक लंबा चौड़ा पैनारोमिक सनरूफ है जो कि यहाँ पर दिया गया है। आपको जानकर यह हैरानी भी होगी कि ये जो पैनारोमिक सनरूफ है इसके कस्टमर जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। 70% कस्टमर्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा कंपनी का कहना है, कि जो कि पैनारोमिक सनरूफ के लिए आते हैं। गाड़ी के सेकंड रो में चलते हैं क्योंकि ये गाड़ी जो 17 से 22 लाख की गाड़ी हम बात कर रहे हैं अब ज़्यादातर शॉफर ड्रिवन होती है, और ऐसे में एक बॉस मोड का होना ज़रूरी है। व्हाट इज़ बॉस मोड, आई जस्ट शो यू व्हाट इज़ द बॉस मोड। यहाँ पर आपको 2 बटन्स मिल जाएंगे, आपको 6 और 7 दोनों कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मिलेगी। ये कैप्टन सीट्स हैं जो इस वक्त आपको दिख रही हैं, और वो भी वेंटिलेटेड। कहीं से भी गाड़ी अंदर से क्लॉस्ट्रोफोबिक तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। दैट एयरी स्पेस दैट यू रिक्वायर इन द कार, इट इज़ समथिंग दैट इज़ देयर इन द अल्काज़ार। अल्काज़ार का जो मेन कॉम्पिटिशन है ना मार्केट में वो टाटा की सफारी मेन कॉम्पिटिशन में आती है। टाटा जो एक बहुत बड़ा फ़र्क आपको दिखता है ना, वो सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि जो प्रीमियम फिट एंड फिनिश है Hyundai का, वो उससे कहेंगे थोड़ा बेहतर लगेगा। नाउ दिस वन इज विद द कैप्टन सीट्स, यू कैन ईजिली गो टू द थर्ड रो। आपको एक बार थर्ड रो भी दिखा देते हैं कि इस गाड़ी का कैसा ओवरऑल डायमेंशन में कोई चेंज नहीं है। थर्ड रो, ओह थर्ड रो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हमेशा रहेगा क्योंकि प्लेटफॉर्म दोनों का सेम है। लेकिन आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं, जब आप थर्ड रो में बैठे हो, ठीक है, बच्चों के लिए थर्ड रो है आप इस वक्त देख सकते हैं, हेडरूम की परेशानी नहीं, लेकिन आपको बहुत बिछ के बैठना पड़ेगा, थाई सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलने वाला आपको, लेग रूम भी आपका टाइट रहने वाला है। स्टोरेज स्पेसेस ज़रूर हैं जो कि थर्ड रो में दिए गए हैं। और एक और अच्छी चीज़ जो है, सेकंड रो में जैसे आपको एसी के वेंट दिए हो उसी तरीके से आपको थर्ड रो में भी एसी वेंट मिल जाएंगे, यानी कि पीछे आपको जगह कम हो सकती है लेकिन घुटन बिल्कुल नहीं। स्टोरेज स्पेस आपने देख लिया, साथ में यहाँ पर आपको चार्जिंग सीट टाइप दे रखा है, क्योंकि Hyundai का ये मानना है कि चाहे 6 हो या 7 हो लेकिन सभी बंदे एंगेज रहें, एंटरटेन रहें, और इसके लिए आपको 6 सीटों के लिए, यानी कि 6 के 6 पैसेंजर अगर बैठें सबके लिए आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाएंगे, और आप वेंटिलेशन भी कंट्रोल कर सकते हैं ऑन ऑल द 3 रोज।
इस नई अल्काज़ार की कंपटीशन में आती है एसयूवी 700 एमजी की हेक्टर प्लस और टाटा की सफारी। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा इन चारों गाड़ियों में आपको कौन सी लगती है बेहतर। और अगर ये वीडियो पसंद आया यू नो व्हाट टू डू, जस्ट शेयर, लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नमस्कार।